हम लोगों कि दो महीना का समय मांगा है और पांच पॉइंट देने बोले हैं, तो पांच पॉइंट हम लोग बना के देंगे उनको। उसमें 1/3 का नहीं बोला है, पेमेंट इंक्रीज हो जाएगा बोला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगे, ऊपर फाइनेंस से बात करके, सेक्रेटरी से बात करके। मगर आप लोग आज आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पेमेंट उसके लिए समय लगेगा बोला है, लेकिन अभी पेमेंट फिलहाल के लिए हम लोग को पेमेंट बढ़ जाएगा बोला, और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है बोले। पांच पॉइंट बना के देने, उसमें हम लोग बना के देंगे अभी, तो कल जमा करने बोला है। और सर कुछ बोलेंगे? पहला मुद्दा रखा गया था आपकी वेतन वृद्धि का, वहाँ पे पिछले आपको आप समझ से ही गए थे, कितना समय लगा आपको ही मालूम है। कोई भी चीज आसानी से नहीं हो सकता, ये आपके भी संज्ञान में है। कितने वर्षों के बाद आज ये आंदोलन हुआ, यहाँ तक आकर आज चर्चा में आई है, चर्चा में आपके सहकर्मी भी भाग लिए, सारे विषय को रखा गया। 6 महीने का समय निदेशक ने मांगा, लेकिन 6 महीने से पहले चुनाव आ जाएगा, इसलिए हमने उनसे कहा कि जो भी करना है फरवरी से पहले समाप्त करना है, ताकि अगले सेशन से पहले सारी चीज़ें हो जाए। और आपका 2 महीने का जो वेतन कटता है या आपको ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक को भी समाप्त कर कंटिन्यूटी सर्विस का बात किए हैं। ना आप DRM है, ना आप पार्ट टाइम है, तो इसीलिए हमारा मुद्दा अब एक ही है कि हमें वेतन वृद्धि चाहिए। हमें सामान्य जो DRM को वेतन मिल रहा है या बाकी कामगारों को जो वेतन मिल रहा है उस तुल्य पर, और जो शिक्षक के क्षेत्र में है, जो पढ़ाने के काम कर रहे हैं, शिक्षक का जो वेतन है उसका जो बेसिक है, उस बेसिक के साथ में अलाउंस के साथ मिले, ये तीसरा एक विषय है। वेतन का समतुल्य हो पाए, नाम हमें क्या दे रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा वेतन अच्छा खासा हो, जो समाज में हम जी सके, अपने परिवार को चला सके। आपके निदेशक महोदय ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूरे विषय को समझा और सारे विषय को रखा। इससे ये ज्ञात होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर स्तर पर सब कुछ पॉजिटिव है, नीचे स्तर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो इसीलिए इस विषय पर आप जो है कंटिन्यूटी में निदेशक के साथ में बैठेंगे, सारे विषय को रखेंगे। कल जो है 5 मुद्दे पे जो जो विषय अभी यहाँ रखा गया, जो आपके हित में है, उन सारे मुद्दों को कल रखा जाएगा। इस पे जो है कंटिन्यूटी में हर वीक या 15 दिन में उनसे मुलाकात होगी, सारे विषय को ठीक किया जाएगा, और फरवरी से पहले इसको कैसे सैंक्शन कराया जाए उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में लक्ष्मण जी आपको सूचना देंगे कि कहीं पे हमारा एक दिवसीय बैठक होगा, उसमें आप सभी आइए, अपना शक्ति लगाइए इस कार्य को कैसे सक्षम किया जाए। और ये मुद्दा आज यहाँ चर्चा हो गया, कल को टाटा बाय बाय भूलने वाले विषय नहीं है। नियमित रूप से आपका सहयोग इसमें बना रहेगा, आपका शक्ति बना रहेगा, तभी जाके इसमें हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके भी एज 40 से नीचे है, उन सबको एज रिलैक्सेशन देने का भी बात उन्होंने एग्री किया है, ताकि कुछ लोग, मालूम है मेजॉरिटी का नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को तो बेनिफिट होगा। अगर 25 से 30 लोग भी उसमें चले जाते हैं तो उनका परिवार कम से कम एक अच्छे वेतन के साथ जी पाएंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनको इसी स्तर पर आगे लेके जाने के लिए वेतन वृद्धि का सिर्फ हम मांग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दे पे आज सारे विषय को रखा और उनका तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारे विषय जो आपका 99 से जो शुरुआत हुई थी, सारे विषय को उनके बीच में रखा, सारे विषय चर्चा में आए। वो भी अपने उच्च अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे, सेक्रेटरी के समक्ष, कमिश्नर समक्ष सारे विषय को रखेंगे, उस पर क्या तोड़ निकाला जा सकता है, जिससे कि आपको भी बुरा ना हो, प्रशासन के लिए भी ठीक रहे, ऐसे एक
बीच का राह निकालते हुए इस कार्य को समाप्त करेंगे, उन्होंने आश्वास दिया है और पॉजिटिव वे में वो करेंगे, ये चीज हमें अश्योर किया है। इसी आप सभी का आज के यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह किसी भी संघ का कोई भी आंदोलन होता है, आपका भी सहयोग हमेशा उससे बना रहे। आज देखेंगे तो बाकी सारे संगठन के लोग अपने सहयोग दिया, अपना पूरा जान लगाया इसका आपका आंदोलन को सफल बनाने में, सभी का उनके लिए कम से कम आप सभी की तरफ से एक बार जोरदार ताली के साथ भारत माता की, भारत माता की, नाम के हिसाब से नहीं काम के हिसाब से वेतन दो, नाम के हिसाब से नहीं काम के हिसाब से वेतन दो, राष्ट्रहित में करेंगे काम, राष्ट्रहित में करेंगे काम, बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, वंदे मातरम। एपीडब्ल्यूडी और अंडमान हार्बर और म्युनिसिपल के मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट अपना और अपने डिपार्टमेंट वाले को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हम एम्प्लॉइज एसोसिएशन का आज बहुत दिनों से पत्राचार कर रहे थे, मुख्य सचिव जी को दिए थे और सचिव जी से मुलाकात भी हुए थे, सारे चर्चा हुई थी, इनको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। तब जाकर जो है कंपल होकर हमने यहाँ पर आज धरना का आह्वान किए थे, जिसमें अच्छा रेस्पॉन्स मिले। डिगलीपुर से 50 लोग, रंगत से, मायाबंद से, हर जगह से जो है आज कामगार यहाँ पर आए हैं। विषय एक ही था कि पार्ट टाइम के नाम पर इनका जो वेतन है वो बहुत कम दे रहा था, कि उनको जो है एक महीना 15,000 का वेतन दे रहा है, काम जो है 8 घंटे से ज़्यादा कर रहा है। तो हमने काम के जो समय है, कामगार के साथ जो शोषण हो रहा है, उस पर हमने अपने विषय को रखा। तो उन्होंने कहा कि DRM के स्तर पर जो विषय हम कर रहे थे, DRM का, और DRM का यहाँ पर संज्ञान नहीं आता है, DRM शब्द को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने भी उस बात को एग्री किया, हमारा उद्देश्य एक ही है कि सबके परिवार में अच्छा पैसा आए, वेतन वृद्धि हो। उसके अलावा उनका क्या पद आप दे रहे हैं उससे नहीं था, तो वेतन वृद्धि के लिए क्या करना है उसी मुद्दे पर बात किए। अध्यक्ष जी भी थे, सारे विषय को रखा और सारे विषय में एक करीबन नहीं करके 1 घंटा तक चर्चा चली और पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है डायरेक्टर की तरफ से और उनके पूरे टीम की तरफ से। तब उसी एंगल में आगे बढ़ेंगे कि अभी हमसे अनुरोध किया कि 5 पॉइंट बना के दे दो, क्या है जो इमीडिएटली रिजोल्व किया जा सकता है और इनके लिए बेहतर होगा। तो 5 पॉइंट जो है कल बना के उनको समर्पित किया जाएगा और उसके बाद में जो है नियमित जो है उनसे अंतराल पर बातचीत होता रहेगा और ये फरवरी से पहले समाप्त करने का हमने आग्रह किया है, क्योंकि उन्होंने 6 महीने का समय मांगा था, 6 महीने तक जो है चुनाव आ जाएगी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है फरवरी के भीतर इसमें कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए हमने अनुरोध किया है। यहाँ पे एक्चुअली पार्ट टाइम का एक नाम लग गया था, तो पार्ट टाइम जब आता है तो वो आता है 4 घंटे से कम का समय में काम करना, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 घंटे ये लोग काम करते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं और प्रशासन का आदेश में लिखा है 6 घंटा, और 6 घंटा पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी पार्ट टाइम का अंदाजा में नहीं है। तो 6 घंटा जब प्रशासन आदेश जारी किया है और उसमें वेतन मैं उनको जो दिया है 15,510 रुपये एक स्वीपर को, तो उसके चलते और जबकि वहाँ 6 घंटे के बाद वो बंदा कहीं जाकर दूसरा कोई काम कर नहीं सकता है, और पार्ट टाइम का नाम उनके लगने के कारण क्या है, ना तो उनको बोनस मिल रहा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का जो आदेश आया उसमें पार्ट टाइम में ना तो उनको बोनस मिलेगा, तो किसी भी प्रकार का कोई चीज़ उनको सहूलियत नहीं मिलते हुए वो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे थे। बट सर मोस्टली जो यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं ये सब जो है प्राइमरी टीचर्स है, जरूर उसमें टीचिंग स्टाफ भी, पार्ट टाइम में टीचिंग स्टाफ भी है, म्यूजिक टीचर भी है, प्यूनगंज चौकीदार भी है, सफाई वाला भी है, सभी आया भी है, सभी है इसमें, और सभी को जो है 8 घंटे से ज़्यादा बैठाया जाता है। तो वही विषय में हमने उनके समक्ष भी रखा कि आप पार्ट टाइम जब बोल रहे हैं तो 4 घंटा हो सकता है, उससे ज़्यादा पार्ट टाइम नहीं हो सकता, 6 घंटा का आपने आदेश जारी किया और 6 घंटा के बाद वो बंदा कहाँ काम करने जा सकता है, कहीं पर दूसरा काम के लिए जा नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए आप पार्ट टाइम जो है लगा हुआ पट्टा उससे हटके आपको काम करना होगा, उससे हटके जो है विषय को रखना होगा। तो जैसा आप लोग 10 जन अभी गए थे, 10 लोग जाकर डायरेक्टर साहब से आप लोग बात करके, बात करने के बाद आपको क्या लगता है अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिला तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नहीं मिलने का एक स्थिति आज नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर साहब बहुत ही पॉजिटिव वे में बात किए, उनका वाकई में बहुत संवेदनशीलता से उन्होंने विषय को रखा और वो एग्री भी कर रहे हैं कि वाकई में इनका जो वेतन कम है वो
बहुत ही अन्याय हुआ है इनके साथ, और अन्याय का कारण भी उन्होंने अपना समय, उनके भी समझ में आ गया है कि अन्याय क्यों हुआ, क्योंकि पिछले 8 से 10 सालों में उनका वेतन वृद्धि नहीं हुआ। तो हर साल या 2 साल में एक बार थोड़ा थोड़ा करके अगर होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं होता था। तो वो नियमित नहीं होने के कारण 8 साल के बाद सडनली जब बढ़ाया 8,500 से सीधा 15,000, तो मोरलेस डबल 100% वहाँ ग्रोथ आया। तो इससे ज़्यादा ग्रोथ एट ए टाइम में नहीं कर सकता, वो रूल प्रोविजन में फाइनेंशियल रूल के तहत वो आता है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें देखते हुए इनको बेहतरीन के क्या दे सकता है वो चीज़ उन्होंने किया है।